अगर हम कोई लड़की देखते हैं रास्ते में तो हमारे दिमाग में हम पूरा सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता है। हर किसी को डैनी डैनियल्स या साशा ग्रे जैसी गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली है, तो बी रियलिस्टिक। हिलाने से आप कमजोर हो जाते हो। एक ड्रॉप ऑफ सीमन में 40 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड होते हैं। तुम लोगों को पता है, एक रिसर्च में ये मिला कि अगर हम एक हफ्ते तक मैस्टरबेट नहीं करें तो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज हुए थे। और वहीं दूसरी तरफ दूसरी रिसर्च में ये पाया गया कि मैस्टरबेशन से हमारे स्ट्रेंथ लेवल और एंड्योरेंस लेवल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात ये आती है कि इन सब रिसर्चेस में से कौन सी रिसर्च सही है, और सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि क्या मैस्टरबेशन से हमारे स्ट्रेंथ लेवल या मसल बिल्डिंग पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं। आज की वीडियो उस टॉपिक पर है जिसमें लौंडों का कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है, और जिम ज्वाइन करने से पहले उनके दिमाग में एक ही सवाल उछल रहा होता है, यार बॉडी बनाने के लिए क्या हिलाना छोड़ना पड़ेगा। अब इसमें उन लड़कों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है, और साथ में सोशल मीडिया पर इस टॉपिक के रिलेटेड इतना ज्यादा बकवास फैला हुआ है, और हर कोई बंदा अपने थॉट्स को सच प्रूव करने में लगा हुआ है। हमने भी ये सब बातें सुनी है कि मैस्टरबेशन से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाते हैं या फिर 48 आवर्स तक मसल बिल्डिंग ही रुक जाती है, पर क्या ये बातें सच है? तो आओ शुरू से शुरू करते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब हमारी बॉडी स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करती है। यार लेकिन मैं तो ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिन्होंने 10 साल की उम्र से घिसना शुरू कर दिया था। पर जैसे ही आप 12-13 साल की उम्र में आते हो, यानी टीनेज में आते हो, तो हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड बोलते हैं। वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है GnRH, यानी गोनाड्रोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पार्ट यानी सामने वाले हिस्से को सिग्नल भेजता है दो हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, जिनका नाम है LH एंड FSH। LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन फीमेल्स में भी होता है, बट मेल्स में इसका रोल अलग है। पहले बात करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। अब ये हार्मोन हमारे टेस्टिस में प्रेजेंट सेरेटोली सेल से ABP यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस में प्रेजेंट लेडिक सेल्स को इन्फ्लुएंस करता है टेस्टोस्टेरोन को बनाने के लिए। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यही वो टेस्टोस्टेरोन है जो मसल बिल्डिंग हमारी बॉडी में प्रमोट करता है। अब FSH से जो ABP बना था वो LH से बने टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड होके एक प्रोसेस होने में हेल्प करता है, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जी हाँ, स्पर्म बनाने के प्रोसेस को ही स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। वी होप अब आप समझ गए होंगे कि स्पर्म्स आखिर बनते कैसे। तो ये तो था कि पूरा प्रोसेस कि स्पर्म्स बनते कैसे हैं। अब कुछ मिथ्स डिस्कस कर लेते हैं जो आई एम श्योर आप लोगों ने भी सुनी होगी, और क्या पता आप में से बहुत लोगों ने वो मिथ्स फैलाई भी होंगे। मैंने भी कुछ मिथ्स फैलाए थे, इसलिए अगला पॉइंट सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला मिथ ये है कि बहुत सारे लोग आपको ये बोलते होंगे कि जब आप मैस्टरबेट करते हो तो हमारा टेस्टोस्टेरोन स्पर्म्स बनाने में लग जाता है और हमारा मसल बिल्डिंग रुक जाता है, क्योंकि स्पर्म्स बनाना मसल बिल्डिंग से ज्यादा जरूरी है। ये देखो, अभी 3 दिन पहले मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी, चश्मा पहन के बोल रहा आदमी यूट्यूब पर। बट ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप मैस्टरबेट करते हो उसके बाद आपका ब्रेन FSH हार्मोन रिलीज करता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो, ना कि टेस्टोस्टेरोन लग जाता है स्पर्म्स बनाने में। और एक बार हिलाने से तुम्हारी स्पर्म्स की टंकी थोड़ा खाली हो जाएगी। टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस में थोड़ी हेल्प जरूर करता है, बट ये टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे कामों में से एक काम है। अब दूसरा मिथ ये है कि मैस्टरबेशन के 24 से 48 घंटे तक बॉडी स्पर्म्स बनाने में लग जाती है और मसल बिल्डिंग के एल लग जाते हैं, पर इस स्टेटमेंट का कोई सर पैर नहीं है। अब देखो, स्पर्म बनाने में हमारी बॉडी को स्टार्ट से लेकर एंड तक 74 डेज लगते हैं, तो अब इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि अब आपका 2 महीने तक मसल ग्रो होगा ही नहीं। यार लेकिन मैंने तो परसों भी हिलाया और आज भी हिलाया, मेरी बॉडी ने 2 दिनों में स्पर्म्स कैसे बना लिए? वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी सिर्फ हिलाने के बाद ही स्पर्म्स नहीं बनाती, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है। वो स्पर्म्स की लाइफ भी 74 डेज की होती है, तो अगर आप उनको 74 डेज तक यूज ना करो तो बॉडी उनको वापस एब्जॉर्ब कर लेती है और नए स्पर्म्स टाइम टू टाइम बनते रहते हैं। थर्ड मिथ ये है कि हिलाने से आप कमजोर हो जाते हो। ये सबसे कॉमन मिथ है, क्योंकि हर कोई राह चलता इंसान किसी भी स्किनी बंदे को यही बोल रहा होता है, यार भाई कम हिलाया कर, सुन रहा है, कमजोर हो गया, एकदम खत्म हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैस्टरबेशन से आपको किसी भी तरह का फिजिकल वीकनेस नहीं होता है। चौथा मिथ ये है जो मैंने खुद भी फैलाया जब मैं स्कूल में था, और वो मिथ ये है कि एक ड्रॉप ऑफ सीमन में 40 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड होते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, सीमन और ब्लड का आपस में कोई स्ट्रेंथ रिलेशन नहीं है। हाँ भाई, मिथ ही होगा,
वरना मेरे में भी बहुत ज्यादा खून की कमी हो गई होती। अब देखो, हमने आपको प्रोसेस भी बता दिया, हमने आपको मिथ्स भी बता दिए, बट जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी वीडियो रिसर्चेस के बिना अधूरी है। तो आइए देखते हैं रिसर्चेस क्या कहती हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला था कि अगर आप एक वीक तक मैस्टरबेट नहीं करते हो तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में एक स्पाइक जरूर आया, बट लॉन्ग टर्म में जब रिसर्च को देखा गया तब ये पाया गया कि वो स्पाइक जो टेस्टोस्टेरोन में आया था वो वापस से नॉर्मल लेवल पर आ गया। इसी तरह 1995 की एक रिसर्च में हेल्दी ग्रुप ऑफ मेन को लिया गया और उनकी एरोबिक परफॉर्मेंसेस को मेजर किया गया बिफोर एंड आफ्टर मैस्टरबेशन, और ये पाया गया कि उनके रिजल्ट्स में कुछ डिफरेंस नहीं था। उसके बाद 2001 की एक रिसर्च में जब 3 वीक्स के सेक्सुअल एबिस्टेंस के बाद, यानी 3 वीक्स के ना हिलाने ना ही सेक्स करने के बाद, रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड किया कि हाँ, मैस्टरबेट ना करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में हल्का सा एलिवेशन जरूर आया, पर वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं था कि आप अपने शेर का हालचाल ही पूछना बंद कर दो। फिर 2016 की एक और रिसर्च में एथलीट्स को लिया गया और उनके कॉम्पिटिशन से एक दिन पहले उनको सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज होने को कहा, और नेक्स्ट डे जब देखा गया तो पाया ये गया कि उनकी परफॉर्मेंस में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी है और हर किसी रिसर्च में यही पाया गया है कि मैस्टरबेशन या तो इंटरकोर्स से स्पोर्ट परफॉर्मेंसेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन आपको पता है मैस्टरबेशन के बाद क्या होता है? मजा आता है। मैस्टरबेशन के बाद लगभग 30 मिनट तक प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई हो जाते हैं, जिस वजह से डोपामिन लेवल उस टाइम तक कम हो जाते हैं, और प्रोलैक्टिन हाई होने के कारण उस समय आपको कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करने का मन नहीं करता। तभी मैं सोचूं, हिलाने के बाद दिमाग इतना क्लियर कैसे हो जाता है? क्यों भाई, आपने हिलाया क्या? हाँ भाई, तभी तो मैं सोचूं ये लड़कियों में कुछ नहीं रखा है यार, इस जीवन का मतलब क्या है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अब देखो, हमने आपको सब कुछ बता दिया और मैक्सिमम लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि मैस्टरबेशन के क्या इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी पर। लेकिन हम भी इस वीडियो को एक अच्छे नोट पर एंड करना चाहेंगे। पता चला तुम लोग दिन भर रात भर हिला ही रहे हो। अब देखो, हमें ये तो पता चल गया कि मैस्टरबेशन से हमारे फिजिकल एक्टिविटीज या फिर फिजिकल परफॉर्मेंसेस पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन एक सेक्शन है जहां पर मैस्टरबेशन हमें इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, वो है हमारा मेंटल एस्पेक्ट। क्योंकि मैक्सिमम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम पॉर्न देखकर मैस्टरबेट करते हैं, जिससे हमें फिजिकली तो कोई हार्म नहीं होता पर मेंटली जरूर होता है, क्योंकि पॉर्न से हमारे दिमाग में बहुत सारे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस या फिर अनरियलिस्टिक सिनेरियोस बनने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई लड़की देखते हैं रास्ते में तो हमारे दिमाग में हम पूरा सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता है। और सेकेंडली, हर किसी को डैनी डैनियल्स या साशा ग्रे जैसी गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली है, तो बी रियलिस्टिक। ऑन दी होल हम यही कहना चाहते हैं कि अगर पॉर्न से आपका माइंडसेट खराब हो रहा है या अपोजिट जेंडर की तरफ गलत सोच आ रही है, देन यस, मैस्टरबेशन इनडायरेक्टली आपके लिए हार्मफुल है, क्योंकि ए साउंड बॉडी कैन ऑलरेडी रिसाइड इन ए साउंड माइंड। लास्टली, मैं बस यही बोलूंगा, अगर मैस्टरबेशन आपके कंट्रोल में है देन इट इज फाइन, इट हैज नो हार्म। लेकिन अगर वो एक एडिक्शन बन गया है या फिर आपको आपके गोल से दूर ले रहा है, देन इट इज हार्मफुल। Hey guys, तो ये टॉपिक हमने आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट रख दिया। अब आप पे है कि आपको दिन में 3 बार हिलाना है या फिर हफ्ते में 1 बार हिलाना है। और अगर आप हमसे 1-on-1 कोचिंग लेना चाहते हो तो आप हमारे पेज पे DM भी कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शायद आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आ जाए। और आपसे मिलते हैं जल्दी। बाय। भाई, डैनी भाभी की नई वीडियो देखी? क्या बात कर रहा है? जल्दी जल्दी चल, तू मेरा पकड़ना, मैं तेरा पकड़ूंगा।